नमस्कार, आप लैक्सिटीज देख रहे हैं, मैं हूं जय शुक्ला। देखिए, एक तरफ बिहार में जहां अपराधियों और शराब तस्करों के हौसले बुलंद हैं, तो वहीं पुलिस भी दौड़ा रही है। इतना दौड़ा रही है कि जान बचाने के लिए और खुद को पुलिस से सेफ रखने के लिए अपराधी या तस्कर नदी में कूदने लगे। बिहार के गोपालगंज जिले में कुछ ऐसी ही तस्वीर निकलकर सामने आई है, जहां पुलिस ने फिल्मी स्टाइल में तस्करों को घेरा और जब पुलिस ने घेर लिया तो तस्कर क्या किए कि नदी में कूद कूद कर छलांग लगाने लगे और पुलिस को देखकर चकमा देने के चक्कर में भागने लगे। इस दौरान पुलिस को सफलता भी मिली है। पुलिस ने एक महिला को गिरफ्तार किया है, जिसके पास से एक मोबाइल बरामद की गई है और कुछ और भी चीजें, शराब की बड़ी खेप भी बरामद की गई है। दरअसल मामला क्या है वो यदि समझें तो बिहार के गोपालगंज में बुधवार को फिल्मी सीन जैसा नजारा दिखा। शराबबंदी वाले बिहार में पुलिस ने चेक पोस्ट और सड़क मार्ग पर सख्ती बढ़ाई तो तस्करों ने शराब की तस्करी के लिए नदी का मार्ग चुन लिया, लेकिन पुलिस ने उनके मंसूबों को एक बार फिर से नाकाम कर दिया है। गंडक नदी के रास्ते यूपी से नाव पर लाद कर लाई जा रही लाखों की शराब पुलिस ने जब्त किया। साथ ही पश्चिम चंपारण की रहने वाली एक महिला शराब तस्कर को भी गिरफ्तार किया गया है। हालांकि नाव पर सवार शराब तस्कर रात के अंधेरे में नदी में छलांग लगाकर फरार हो गए। नदी की गहराई अधिक होने से पुलिस उन्हें नहीं पकड़ सकी। दरअसल ये कार्रवाई जो है जादवपुर थाना क्षेत्र के गंडक नदी के दियारा इलाके में हुई है। सदर एसडीपीओ प्रांजल के नेतृत्व में LTF और पुलिस ने कार्रवाई की है। पुलिस की इस छापेमारी में नाव से करीब 137 कार्टून में रखे गए 1233 लीटर देसी शराब बरामद किए गए। पुलिस कार्यालय से जारी किए गए रिपोर्ट के अनुसार गंडक नदी के रास्ते शराब की बड़ी खेप नाव से लाने की गुप्त सूचना मिली थी और SP स्वर्ण प्रभात के निर्देश पर LTF यानी कि एंटी लिकर टास्क फोर्स और सदर SDPO प्रांजल कुमार के नेतृत्व में जो है टीम गठित कर नदी की ओर निकला गया, और जिसके बाद पुलिस ने यह ताबड़तोड़ कार्रवाई की और पुलिस ने फिल्मी अंदाज में जब तस्करों को घेरा तो तस्कर नदी में एक के बाद एक धाएं धाएं कूदने लगे और किसी प्रकार अपने आप को पुलिस से बचाकर वहां से भागने में सफल हो गए। लेकिन पुलिस ने इस बीच एक महिला तस्कर को गिरफ्तार कर लिया और फिलहाल आगे की कार्रवाई की जा रही है। जैसा कि SP ने बताया, छापेमारी में पश्चिम चंपारण के नौतन थाना क्षेत्र के भगवानपुर की रहने वाली मुकेश यादव की पत्नी रिंकी देवी को गिरफ्तार किया गया है और उसके पास से मोबाइल बरामद किया गया है, जिसकी जांच की जा रही है। साथ ही ऐसे कई सबूत और अकूत संपत्ति मिले हैं। अब मामले में आर्थिक अपराध इकाई जो है कार्रवाई करेगी, यह भी बात कही जा रही है। तो बड़ी तस्वीर और पुलिस की बड़ी कार्रवाई बिहार में अब होने लगी है। देखिए, बिहार में शराबबंदी कानून वैसे भी लागू है और शराब तस्करी पर नियंत्रण लाने के लिए सरकार और बिहार की पुलिस लगातार ताबड़तोड़ छापेमारियां कर रही है। कई दफे तो ऐसा भी होता है कि पुलिस छापेमारी करने जाती है और पुलिस पर हमले हो जाते हैं। कई तस्वीरें आपने हाल के दिनों में देखी होंगी। और एक बार फिर से मुजफ्फरपुर में भी जो तस्वीरें देखी है आपने, सवेरे हमने आपको वीडियो दिखाया है कि मुजफ्फरपुर में किस प्रकार पुलिस पर हमला हुआ है। हालांकि ये शराब तस्करी से जुड़ा मामला नहीं था, लेकिन गोपालगंज में पुलिस ने कुछ ऐसा किया है कि अब शराब तस्करों की सारे रास्ते बंद हो गए हैं। यूपी के रास्ते नदी से शराब ले जाने और ले आने की जो कवायद थी, जो सिलसिला था, उसे तोड़ने के लिए, उनकी कमर तोड़ने के लिए पुलिस ने कार्रवाई की है और रात के अंधेरे में एक के बाद एक ताबड़तोड़ नदी में छलांग लगाने पर मजबूर हो गए हैं तस्कर। फिलहाल ये कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी और बिहार पुलिस बैठने वाली नहीं है, क्योंकि बिहार पुलिस को यह निर्देश दिया गया है कि आपको अपराधियों को दौड़ाना है, तस्करों को दौड़ाना है, और यदि ऐसा नहीं करते हैं तो दिक्कत हो जाएगी। लेकिन पुलिस बखूबी अपना काम कर रही है और इसी की वानगी गोपालगंज में एक बार फिर से देखने को मिली। बने रहे लाइव सिटीज के साथ। यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हम आपको खबरों से अपडेट रख सके। धन्यवाद।